शिरडी के साई बाबा मंदिर के पीएम मोदी ने किए दर्शन। पीएम मोदी ने नए दर्शन कतार परिसर का किया उद्घाटन। पीएम ने शिरडी के साई बाबा मंदिर के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इसके बाद पीएम मोदी ने नए दर्शन कतार परिसर का भी उद्घाटन किया। कॉम्प्लेक्स की आधारशिला पीएम मोदी ने अक्टूबर 2018 में रखी थी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सहारनपुर में श्री कृष्ण ज्ञान मंदिर का किया भूमि पूजन। कुदाल से जमीन खोद कर रखी मंदिर की आधारशिला। सहारनपुर पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सरसावा में श्री कृष्ण ज्ञान मंदिर का भूमि पूजन किया। मंदिर की आधारशिला स्थल पर कुदाल से जमीन खोद कर मोहन भागवत ने आधारशिला रखी। मंच पर अलग अलग क्षेत्रों से आए संत रहे मौजूद। मोहन भागवत ने कहा कि जिस दिन सनातन का अंत हो जाएगा उस दिन सृष्टि समाप्त हो जाएगी। श्री केदारनाथ धाम पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। बाबा केदारनाथ का किया रुद्राभिषेक। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बाबा केदार धाम पहुंचकर बाबा के दर्शन किए। उपराष्ट्रपति ने बाबा केदारनाथ का रुद्राभिषेक कर देश की खुशहाली एवं जन कल्याण की कामना की। इस अवसर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। राज्यपाल ने उन्हें केदारपुरी में चल रहे पुनर्निर्माण एवं विकास कार्यों की पूरी जानकारी दी। 28 अक्टूबर की देर रात लगेगा साल 2023 का आखिरी चंद्र ग्रहण। ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, मान्य होगा सूतक। 28 अक्टूबर की देर रात को लगने वाला चंद्र ग्रहण खंड ग्रास के रूप में भारत में दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण देर रात 1:05 से शुरू होगा। ग्रहण का मध्यकाल 1:44 तक होगा। ग्रहण का मोक्ष 2:24 होगा। भारत के ज्यादातर इलाकों में ग्रहण दिखाई देगा। 28 अक्टूबर को मेष राशि और अक्षवनी नक्षत्र में लग रहा है चंद्र ग्रहण। ऑस्ट्रेलिया, यूरोप सहित दुनिया के कई देश में दिखेगा। ये ग्रहण मेष राशि और अश्वनी नक्षत्र में लग रहा है। भारत के अलावा ये चंद्र ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व अमेरिका में भी दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण का सूतक 28 अक्टूबर 2023 को शाम 4:05 से शुरू हो जाएगा। ग्रहण के समाप्त होने तक सूतक खत्म हो जाएगा। 30 अक्टूबर को राहु और केतु करेंगे राशि परिवर्तन। इस गोचर का प्रभाव सभी राशियों पर होगा। सभी ग्रहों में शनि के बाद राहु और केतु को ही ऐसा ग्रह माना जाता है जो जीवन में परेशानियां बढ़ाने का काम करते हैं। राहु और केतु दोनों ही 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे। इन दोनों ग्रहों के राशि बदलने से कुछ जातकों के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। बस्तर में मनाया जाता है देश का सबसे लंबा चलने वाला दशहरा। रथ परिक्रमा की रस्म होती है बेहद खास। बस्तर में विजयादशमी के बाद दशहरे का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान सबसे खास है रथ परिक्रमा, जिसमें स्थानीय माड़िया जाति के लोग और राज परिवार के सदस्य भी भाग लेते हैं। बस्तर दशहरा उत्सव के इलाके के हर समुदाय के लोग शामिल होते हैं, लेकिन परंपरा के मुताबिक इसमें माड़िया जाति के लोग छूट जाते हैं तो वे नाराज होकर राजमहल के रथ को चुरा ले जाते हैं। इसके बाद राजा उनके पास आते हैं, उनके साथ नवाखानी की रस्म पूरी करते हैं और फिर सभी मिलकर रथ को वापस राजमहल लेकर जाते हैं। आइए ज्योतिर्विद शैलेंद्र पांडे जी से जानते हैं 28 अक्टूबर 2023 का क्या है पंचांग। दिनांक 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, सुबह के 7:31 तक चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। सुबह 7:31 तक राहु काल का समय प्रातः काल 9 से 10:30 तक पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। 6 दिसंबर को कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में जलेंगे 11 लाख दीप। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास ने लिया फैसला। वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास द्वारा एक राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश के कृष्ण भक्तों ने भाग लिया। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने ऐलान किया कि सभी कृष्ण भक्तों के साथ 6 दिसंबर को 11 लाख दीपकों के साथ कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर में दीपदान किया जाएगा। राम की पैड़ी पर दीपोत्सव में दिखेगी मंदिर और श्री राम की आकृति। अयोध्या के 51 घाटों पर जलेंगे 21 लाख से अधिक दीप। रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने की बेला आने वाली है। जनवरी 2024 को 12 से दोपहर 1 के बीच रामलला अपने गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठित हो जाएंगे, लिहाजा उसके पहले का दीपोत्सव इस बार बेहद खास होने वाला है। इस बार जहां 21 लाख दीप एक साथ जलाकर नया कीर्तिमान बनाने की तैयारी हो रही है, तो वहीं इन दीपों के बीच मंदिर और श्री राम की आकृति भी दिखाई देगी। जो दीपोत्सव का लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो 21 लाख दीयों को 51 घाटों पर
प्रज्वलित करने का है। इसके सापेक्ष हमारे 25,000 वॉलंटियर्स विश्वविद्यालय के शिक्षक और विद्यार्थीगण मिलके इस कार्य को पूरा करेंगे। 22 जनवरी 2024 को होगा रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। पीएम मोदी ने ट्रस्ट के निमंत्रण को किया स्वीकार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में बनकर नव निर्मित राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में बतौर यजमान की भूमिका में शामिल होंगे। पीएम मोदी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के निमंत्रण को भी स्वीकार कर लिया है।